हेलो एवरीवन वन जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चार यूनिट खत्म ख़द, कर चुके हैं आज हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड पहला चैप्टर है उत्तरोत्तर अवकलन या इंग्लिश में इसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि बार बार डिफरेंशिएशन करना ठीक है बार बार डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन कहलाता है तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को बुला लीजिए अपने सभी दोस्तों को कि चैप्टर स्टार्ट हो गया है नया क्लास स्टार्ट हो गई है ठीक है तो जब तक आप बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तब तक हम आ, बता देते हैं कि क्या है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन या उत्तरोत्तर अवकलन देखिए यदि हम उत्तरोत्तर यदि हम नॉर्मली डिफरेंशियल की बात करें आप जानते ही हैं पिछली पूरी यूनिट में हमने यही पढ़ा है डिफरेंशिएशन क्या है ठीक है अब जैसे मान लिया वाई इज इक्वल टू दिया गया है एफ एक्स या हम मान लेंगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स तो क्या हो जाएगा यदि हम एक बार डिफरेंशियल करें पिछली बार पिछली जो यूनिट है हमने उसमें एक ही बार डिफरेंशियल किया है हर एक क्वेश्चन में यदि डिफरेंशियल करने के लिए हमसे कहा गया है तो हमने एक ही बार डिफरेंशियल किया है क्या पढ़ा है हमने डीवाई बाई डी एक्स ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको हम लिखते हैं डीवाई बाय डी एक्स क्या हो जाता है f डैश एक्स क्लियर ये जो एक बार डिफरेंशिएशन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट या प्रथम अवकल गुणांक क्लियर ये कहा जाता है इस डिफ्रेंशिएशन को तो यहां लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशियंट या प्रथम अवकल गुणांक प्रथम अवकल गुणांक ठीक है प्रथम अवकल गुणांक कह देते हैं इसको प्रथम ए, पहली बार डिफ्रेंशिएशन कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स या एफ़ डैश एक्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इधर से शुरू कर देते हैं हम इसको हम डी वाई बाय डी एक्स भी कह सकते हैं एक बार डिफरेंशियल है वाई वन भी कह सकते हैं हमने डिफरेंशियल किया है वाई डैश भी हम इसको कह सकते हैं या हम इसको डी वाई भी कह सकते हैं और एफ़ डैश एक्स भी कह सकते हैं ठीक है क्योंकि वाई की वैल्यू एफ एक्स है क्लियर सबको समझ आ गया है आ, देखो डीवाई बाई डी एक्स वाई वन वाई डैश डी वाई एफ डैश एक्स अब हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए होंगे आ, सबने बुला लिया होगा अपने सभी दोस्तों को तो एक बार देख लीजिए फिर से dy बाय डीएक्स पहली बार डिफ्रेंशिएशन हम इसको वाई वन वन का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन डैश ये भी यही है एक बार डिफरेंशियन डी डी का मतलब भी होता है डिफरेंशियशन कैपिटल डी डिफरेंशियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स अब यदि हम दूसरी बार करें हम यहाँ लिखेंगे ठीक है या द्वितीय अवकल गुणांक द्वितीय अवकल गुणांक हम इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर देखिए क्या है डी ओवर डीएक्स है हमें ये दिया गया है डीवाई बाई डी एक्स पहला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो ये लिखा गया है हमें क्या करना है दूसरी बार डिफरेंशियल कर देना है तो क्या करेंगे डी ओवर डीएक्स लिख देंगे देखिए हमने आपको बताया है कि जिसका भी डिफरेंशियल करना होता है उसके आगे हमें डी ओवर डी एक्स लिख देना है तो हमें इसका फिर से डिफरेंशियल करना है तो हमने डी ओवर डीएक्स लिख दिया है ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर तो यहां हमने इसको लिख दिया वाई वन लिखा गया है तो वाई वन को हम लिख सकते हैं वाई वन है वाई वन का हमने एक बार डिफरेंशियल किया तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई टून टी ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई टू इसको लिखेंगे वाई डबल डैश डी टू वाई और ये एफ डबल डैश क्लियर है इतना समझ में आ गया है पहली बार डिफरेंशियल वाई वन दूसरी बार डिफरेंशियल वाई टू मीन्स डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या वाई डैश वाई डबल डैश या डी वाई दूसरी बार करेंगे डी स्क्वायर वाई एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स तीसरी बार डिफरेंशियल करते हैं देखिए तीसरी बार डिफरेंशियल करेंगे ऊपर लिख देते हैं हम तीसरी बार डिफरेंशिएशन जैसे हमने पहली बार किया तो डी वाई बाय डी एक्स दूसरी बार किया डी टू वाई तीसरी बार करेंगे तो इस बार थ्री हो जाएगा ठीक है इसका मतलब हमें इसका एक बार फिर करना है तो यहां लिखते हैं हम थर्ड अवकल गुणांक या तीसरा अवकल गुणांक थर्ड डिफरेंशियल कोफिशियंट तो ये हो जाता है या तृतीय अवकल गुणांक या तीसरा अवकल गुणांक ऐसा भी लिख सकते हैं आप होता क्या है इसको हम डिनोट करते हैं डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब से ठीक है जैसे पहली बार डिफरेंशियल हुआ डी वाई बाई डी एक्स दूसरी बार डिफरेंशियल हुआ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर तीसरी बार हुआ तो डी क्यूब हो जाएगा इस केस में वाई टू है तो यहाँ पर वाई थ्री बन जाएगा आगे देखिए वाई डबल डैश हमने लिखा है तो वाई ट्रिपल डैश हो जाता है डी रेस टू दी पावर थ्री वाई ठीक है डी क्यूब वाई इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स क्लियर है ऐसा हम लिख सकते हैं फोर्थ फोर्थ टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो पावर और बढ़ जाएगी हमने लिखा फोर्थ डिफरेंशियल कोफिशेंट ठीक है यानी uh, चतुर्थ अवकल गुणांक या चारवा अवकल गुणांक ठीक है चौथा अवकल गुणांक भी कह सकते हैं आप इसको अवकल गुणांक इसको हम लिखते हैं डी फोर वाई ओवर डी एक्स की पावर फोर ये हो जाएगा वाई फोर ये हो जाएगा वाई फोर डैश डी फोर वाई और एफ टू थ्री फोर डैश एक्स क्लियर अब एनवा वावकल गुणांक तो यहां लिख देंगे इसी प्रकार या सिमिलरली ठीक है इसी प्रकार एनवा वावकल गुणांक अवकल गुणांक ठीक है एनथ डिफरेंशियल कोफिशेंट एनेथ डिफरेंशियल कोफिशेंट ये हो जाता है डिफरेंशियल कोफिशेंट यह हमारा हो जाता है डी एन वाई ओवर डी एक्स की पावर एन वाई एन ठीक है पहली बार किया तो वाई वन हुआ दूसरी बार किया वाई टू हुआ तीसरी बार किया वाई थ्री हुआ चौथी बार किया वाई फोर हुआ ठीक इसी तरह यदि आप एन बार करेंगे तो वाई एन हो जाएगा और यहां पर लिख देते हैं वाई एन और ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं देखो क्यों हम ये ब्रैकेट बना रहे हैं देखिए आप यदि ऐसा लिखते हैं वाई रेसू दी पावर एन तो आप कैसे ये पता लगाएंगे कि ये पावर है या फिर ये अवकल गुणांक है इसलिए हम पावर के साथ साथ यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ठीक है तो इससे हमें पता चलता है कि एन एथ टाइम डिफ्रेंशिएशन इसका हुआ है एन बार अवकलन इसका किया गया है ठीक है इज इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे डी एन वाई और इधर लिखेंगे एफ एन ब्रैकेट लगाएंगे एक्स लिख देंगे क्लियर है तो आपको समझ आ गया पहली पहला अवकल गुणांक देखो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था हम नीचे से ऊपर चले थे पहला लिखा तो डी वाई y1 डी एक्स वाई वन वाई डैश डी वाई एफ डैश एक्स कुछ भी लिख लीजिए उसका मतलब यही है कि एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है सेकेंड पर चलते हैं डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर अब आप देखिए वाई वन का वाई टू हो जाता है वाई डैश है दो बार डिफरेंशियल करेंगे तो वाई डबल डैश हो जाएगा डी वाई है तो एक बार फिर से डिफरेंशियल आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी टू वाई एफ uh, एक्स है एफ डैश एक्स आप दो बार डिफरेंशियल करेंगे डबल डैश ठीक इसी तरह यहाँ क्यूब हुआ थ्री बन जाएगा तीन बार डैश डी क्यूब एफ ट्रिपल डैश फोर टाइम करेंगे तो पावर फोर यहाँ भी पावर फोर वाई फोर वाई फोर डैश डी फोर वाई और एफ फोर डैश एक्स ऐसे ही एन टाइम करेंगे तो डी एन वाई डी एक्स की पावर एन वाई, वाई एन वाई एन मतलब पावर एन लगा देंगे डैश में ये सफ में लिखा गया है नीचे और ये पावर है एन टाइम डिफ्रेंशियन डी की पावर एन वाई और एफ एन एक्स ठीक है क्लियर हुआ तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हम uh, कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे उसे ठीक है क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है हमें y की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि इतनी बार डिफरेंशियल ज्ञात कीजिए या मान लिया हमसे कह दिया जाए तीसरा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए इसका मतलब हमें तीन बार डिफरेंशिएशन कर देना है क्लियर चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2019 में एक नंबर में पूछा गया है हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में इस चैप्टर से 2018 में भी एक एक नंबर में क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ठीक है इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी कभी कभी इस चैप्टर से पाँच नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है यदि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाए तो क्वेश्चन पाँच नंबर का बन जाता है ठीक है एक और इसमें थ्योरम दी गई है लेबनीज थ्योरम उससे क्वेश्चन आने के रेयर चांसेज हैं यदि आता है तो पांच नंबर में आएगा ठीक है अदरवाइज नहीं आएगा आएगा तो पांच में आएगा नहीं वरना नहीं आएगा देखिए स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो बात अलग है तो कम मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स की पावर फाइव माइनस फाइव एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन तो हमें क्या याद करना है हमें याद करना है डी क्यू ओवर डीएक्स क्यूब हमें ये वैल्यू निकालनी है 2019 हजार उन्नीस एक नंबर में आया है ठीक है 2019 थाउजेंड नाइनटीन वन मार्क कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वाई इज इक्वल टू इतना दिया गया है देखो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब मतलब तीन बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं गिवन गिवन है वाई इज इक्वल टू सेवन एक्स की पावर फाइव फाइव एक्स की पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन अब डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल इसको फर्स्ट मान लिया हमने डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी डीवाई बाई डी एक्स पहली बार डिफरेंशियल करते हैं तो हम उसको डीवाई बाई डी एक्स लिखते हैं जैसे कि हम करते आ रहे थे काफी टाइम से मतलब पिछली वाली पूरी यूनिट में हमने डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है मैक्सिमम टाइम पहली बार डिफरेंशिएशन किया है अब देखिए इसका डिफरेंशियल करना है देखो सेवन कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल हम करेंगे x की पावर फाइव का माइनस फाइव कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल करेंगे x की पावर फोर का थ्री कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल हम करेंगे x स्क्वायर का फाइव कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल करेंगे हम x का सेवन कॉन्स्टेंट है पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट है तो हम कॉन्स्टेंट का भी डिफरेंशियल कर देते हैं बस हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हो जाता है क्लियर है तो क्या हो जाएगा यहां पर एक्स की पावर फाइव ये हो जाता है फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस वन माइनस फाइव ये क्या हो जाएगा फोर एक्स की पावर फोर माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स प्लस फाइव एक्स का डिफरेंशियल वन और सेवन का डिफरेंशियल ज़ीरो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अब देखिए ये हो जाएगा थर्टी फाइव एक्स की पावर फोर माइनस फाइव हो जाए ट्वेंटी एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव क्लियर है इतना समझ आ गया ये है डिवाइवर डी एक्स पहली बार जो डिफरेंशियल हमने किया है यह ऐसा कहें प्रथम अवकल गुणा सेकेंड कह दिया हमने देखो इस बार तो हमने हर एक स्टेप को लिखा है इस बार हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे पूरी यूनिट आप डिफरेंशिएशन की पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अब आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं ठीक है हम ये टोटल कैलकुलेशन नहीं करेंगे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे जो भी आएगी तो क्या कर देते हैं फिर डिफरेंशियल फिर से करेंगे सेकेंड या ऐसा लिख दीजिए अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहां डी वाई डी एक्स ऑलरेडी है एक बार फिर से आप करेंगे तो डी टू वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी थर्टी फाइव कॉन्स्टेंट है एक्स की पावर फोर का डिफरेंशियल करना है तो ये हो जाता है फोर एक्स की पावर थ्री ठीक है फोर माइनस वन करेंगे थ्री आपको मिल जाएगा ये नीचे एक्स स्क्वायर देखिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको पूरी वैल्यू दिख जाए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ठीक है आ, अभी भी नहीं दिख पा रही है आपको वैल्यू देखिए क्या करेंगे चलिए कोई बात नहीं हम ऊपर लिख देते हैं इतना तो समझ आ गया है आपको कि कैसे सॉल्व करना है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमने सेकेंड को डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे इतना क्लियर है इसको डिफरेंशियल करेंगे ऊपर लिख देते हैं देखो तीन बार डिफरेंशियल करने के लिए हमसे कहा गया है तो हम एक बार डिफरेंशियल कर चुके हैं बाकी दो बार डिफरेंशिएशन हमारा बचता है तो हम दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें मिल जाता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी फाइव कॉन्स्टेंट है एक्स की पावर फोर का डिफरेंशियल हो जाता है फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट सॉरी ट्वेंटी कॉन्स्टेंट है एक्स क्यूब हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर सिक्स कॉन्स्टेंट है एक्स का डिफरेंशियल हमें मिलेगा वन फाइव कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशियल होता है जीरो क्लियर इसका डिफरेंशियल किया थर्टी फाइव एज इट इज इसका कर देंगे ये एज इट इज इसका कर देंगे ये एज इट इज इसका कर देंगे और फाइव का डिफरेंशियल होता है जीरो क्योंकि फाइव कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो ये हो जाएगा फोर्टीन वन फोर्टी एक्स क्यूब माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ये वैल्यू हुई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वेशन थर्ड आप फिर से इसे डिफ्रेंशियट कर देंगे अगेन uh, डिफरेंशियल लिख दीजिए या डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी क्यूब बाय ओवर डी एक्स क्यूब वैल्यू क्या आएगी देखिए 140 फोर्टी कॉन्स्टेंट है 140 फोर्टी एज इट इज एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब का डिफरेंशियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स सिक्स कॉन्स्टेंट है डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा अब देखिए ये हो जाएगा फोर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस वन ट्वेंटी एक्स आंसर यदि हमसे कहा जाए कि फोर टाइम डिफरेंशियल कीजिए तो एक बार फिर से कर देंगे फाइव टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात की जाए तो हम एक बार फिर कर देंगे ये सेम ही क्वेश्चन में हमसे कहा जाए वाई फोर ज्ञात कीजिए तो इसका भी मतलब यही है कि हमें चार बार डिफरेंशियल करना है यहाँ पर लिख दिया जाए कि डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब निकालिए या वाई थ्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए एक ही बात है ठीक है तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिल सकता है हो सकता है डी डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब इस फॉर्म में हो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म में दिया जाए या डैश वाली फॉर्म में दिया जाए या वाई वन वाई टू वाई थ्री इस फॉर्म में दिया जाए या कैपिटल डी रेस टू दी पावर एन की फॉर्म में दिया जाए ठीक है यदि एफ एक्स दिया गया है तो डैश वाली फॉर्म में भी दिया जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्लियर हो गया आपको कैसे इसको सॉल्व कर देना है यदि हमसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा तो ठीक है अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम सेम इस टाइप का इक्वेशन 2019 में दूसरे सेट में भी मिला है हमसे y4 की वैल्यू पूछी गई है y4 का मतलब होता है चार बार डिफरेंशिएशन तो जैसे हमने इसको तीन बार किया है यदि हमसे चार बार कहा जाए तो चार बार कर देंगे क्लियर हुआ एक और क्वेश्चन हमें मिला है 2019 में एक नंबर में क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन हमें दिया गया है वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स क्वेश्चन ये है इफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स फाइंड टू थाउजेंड नाइनटीन मार्क् मीन दूसरे सेट में आया था फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है क्या करेंगे y तो दे ही रखा है इेस टू दावर टू एक्स इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको कह दिया है क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स देखिए यहां लिख देते हैं हम डी dx, अब आप देखिए e की पावर x है e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x तो e की पावर 2x लिखा अब इसका भी डिफरेंशियल हम करते हैं 2x को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 2 आ जाएगा मीन्स 2 e की पावर 2x क्लियर है टोटल वैल्यू दिख पा रही है आपको हाँ जी सब कुछ क्लियर है अब फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं अगेन डिफरेंशियल अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू क्या आएगी डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर देखिए ये टू कांस्टेंट है टू को हमने एज इट इज लिखा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई e की पावर टू एक्स का ई e की पावर टू एक्स का डिफरेंशियल ई e की पावर टू एक्स इन टू अब इसका भी कर देते हैं तो वैल्यू टू आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ई e की पावर टू एक्स यही हमारा आंसर हो जाएगा या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसे फोर इंटू वाई क्योंकि वाई की वैल्यू है ई e की पावर टू एक्स दिया गया है ई e की पावर टू एक्स हमारा वाई है तो आप इसकी जगह वाई भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दे दिया जाए इफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स दैन प्रूव दैट या तब सिद्ध कीजिए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई तो तब हम यही करेंगे ई e की पावर टू एक्स को वाई लिख देंगे क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट तो हमने इसको माना है इक्वेशन फर्स्ट से हम ऐसा कह सकते हैं क्लियर चलिए आगे बढ़ जाते हैं ये तो बात हुई कि यदि हमसे नॉर्मली क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाए मतलब सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि ये वैल्यू है और आपको डिफरेंशियल कर देना है एंड टाइम्स या एंड टाइम्स मतलब है हमारा तीन बार चार बार जितनी बार भी क्वेश्चन में पूछा गया उतनी बार आपको डिफरेंशियल कर देना अब आगे बढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि वैल्यू दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि ये इक्वेशन लाके दिखाइए ठीक है ठीके? कैसे हो सकते हैं वो क्वेश्चन बताते हैं हम आपको आपको जैसे एक जैसे एक हमने यहां अभी बताया था आपको, 4y. इस टाइप से भी प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है क्वेश्चन इतना छोटा है तो दो नंबर में आ जाता है इससे बड़ा हो जाए क्वेश्चन तो पांच नंबर में आ जाता है ठीक है तो पांच नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है दो नंबर का भी आ सकता है इस चैप्टर से और एक नंबर का भी आ सकता है एक नंबर का तो आया ही है पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन देखो जैसे यदि हम बात करें क्वेश्चन की हमें यह दिया गया है If y की पावर e m tan inverse x, then prove that, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू वाई टू प्लस टू एक्स माइनस एम इंटू वाई वन इज इक्वल टू जीरो टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन तीन बार आया है क्वेश्चन फिफ्टीन और सेवनटीन तो क्या कैसे करेंगे ये क्वेश्चन पाँच नंबर दो नंबर दोनों दो में किसी भी फॉर्म में आ सकता है देखिए हमें क्वेश्चन जो दिया गया है जो भी y की वैल्यू दी गई है उसे मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमने मान लिया y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टेन इनवर्स एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब देखो जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है उसमें क्या है वाई टू तक जा रहा है इसका मतलब वाई टू क्या मतलब था दो बार डिफरेंशियेशन तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहली बार डिफरेंशियल करेंगे तो वाई वन लिख सकते हैं हम इसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि डी वाई बाई डी एक्स लिखिए या वाई वन लिखिए एक ही बात है क्या हो जाएगा देखो ई e की पावर एक्स uh, का डिफरेंशियल E की पावर एम टेन इनवर्स एक्स इन टू अब इसका भी डिफरेंशियल करेंगे एम टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो हम लिख देते हैं देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एम टेन इनवर्स एक्स नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे ठीक है आप चाहें तो इसी स्टेप में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ई रेस टू दी पावर एम टेन इनवर्स एक्स यहां पर आप देखिए एम कॉन्स्टेंट वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अब अब देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ लिख दिया हमने वाई वन यदि हम देखें अपने क्वेश्चन में तो इसकी वैल्यू वाई है तो हम वाई लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से से तो हमने लिखा वाई वन इज इक्वल टू वाई एम अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है यहाँ लिखेंगे बाय वन या यूजिंग वन या समीकरण नंबर एक से इसको इधर ले जाते हैं ये इधर जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू एम वाई ठीक है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी राइट साइड पे लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप नहीं देख पा रहे पूरा तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू वाई इसे कहा हमने इक्वेशन सेकेंड अब देखिए ये जो इक्वेशन सेकेंड हमारी आई है इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो लिखेंगे डिफरेंशियल सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर दो फंक्शन है हमारे दो कौन कौन से फंक्शन है एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स क्लियर अब देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन है वाई वन का एक बार फिर डिफरेंशियल किया तो हमने क्या लिखा था कि जब हम पहले डिफरेंशियल का दोबारा करते हैं तो उसको हम लिख देते हैं वाई टू प्लस वाई वन वन का डिफरेंशियल जीरो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल टू एक्स एम डीवाई बाई डी एक्स है इस वैल्यू को हम वाई वन भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमने सबसे शुरू में ही आपको ये बताया था कि डीवाई बाई डी एक्स लिखिए या वाई वन लिखिए एक ही बात होती है तो हम डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को वाई वन लिख सकते हैं अब क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर ये इसके बाद वैल्यू है इसके बाद ये लाइन है इसके बाद ये लाइन है वाई टू ये हो जाएगा प्लस टू एक्स वाई वन इसको इधर ले आते हैं जब वो राइट right साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी इसका मतलब माइनस एम वाई वन इज इक्वल टू जीरो या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस इन दोनों से y1 कॉमन ले लेंगे दोनों से y1 कॉमन लेंगे देखिए हमें ये लाकर दिखाना है तो जब इन दोनों से y1 कॉमन आएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2x m into y1 is equal to 0 यही हमें प्रूफ करना था ठीक है यही हमें प्रूफ करना था क्लियर हो गया सबको सब चीजें समझ में आ गई हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे लेकर चलना है और कहां तक लाकर छोड़ देना है जो भी प्रूफ करने के लिए कहा गया है वहां तक पहुंचाना है हमें क्वेश्चन को जितनी भी y के सबेक्ट में जो भी वैल्यू लिखी गई है या मैक्सिमम जितना डिफरेंशियल कोफिशेंट दिया गया है क्वेश्चन में उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है और एक इक्वेशन बना देनी है जिस फॉर्म में आंसर दिया गया है ठीक है इतना क्लियर हुआ फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको दो नंबर में भी मिल सकता है और पाँच नंबर में भी मिल सकता है तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहिएगा ठीक है कि यदि दो नंबर में आता है तो इतना बड़ा क्वेश्चन दो में क्यों आ गया है इतना बड़ा भी नहीं है छोटा सा ही क्वेश्चन है और पांच में आया है तो ये छोटा क्वेश्चन पांच में क्यों आया है इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोनों में ही ये क्वेश्चन बन सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2018 में आया है पांच नंबर में ठीक है 2018 में पांच नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन क्या था सेम ही क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन नंबर में दिया गया है तो हम वाई टू कह सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को ठीक है तो दो बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है और एक इक्वेशन हमें दी गई है सिद्ध करने के लिए क्या है क्वेश्चन देखो हमें दिया गया है कि वाई इज इक्वल टू यदि चलिए इस बार हम हिंदी में लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस साइन ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स तब सिद्ध कीजिए तब सिद्ध कीजिए नहीं है हटा लीजिएगा यहां से क्या सिद्ध करना है हमें कि एक्स स्क्वायर इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हमें यह सिद्ध करना है क्या करेंगे देखिए 2018 हजार अट्ठारह फाइव मार्क्स ठीक है पांच नंबर में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है देखो हमें जो गिवन है सबसे पहले हमें वो लिख लेना है हम लिखेंगे गिवन मतलब दिया है क्या दिया है वाई इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स ठीक है ये दिया है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डिफरेंशियल करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी देखिए हम लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वैल्यू आएगी आपकी कॉस लॉग एक्स कॉस का डिफरेंशियल होता है साइन एक्स ठीक है कॉस का डिफरेंशियल हमें मिल जाता है साइन माइनस साइन एक्स तो ये आ जाएगा हमारा की डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स हम डीवाई बाई डी एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी डीवाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ही प्रूव करने के लिए कहा गया है ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस लॉग एक्स है कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन लॉग एक्स ठीक है इन टू अब लॉग एक्स का भी डिफरेंशियल करेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स प्लस यहां पर देखिए साइन कॉस साइन लॉग एक्स है साइन का हो जाता है cos लॉग एक्स Log x का भी डिफरेंशियल करेंगे वन अपॉन एक्स ठीक है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अब अब देखें यदि तो वन अपॉन एक्स यहां भी है वन अपॉन एक्स यहां भी है तो वन अपॉन एक्स को कॉमन ले लेते हैं हमने वन अपॉन एक्स को कॉमन लिया तो वैल्यू बची माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स इधर लिखा गया है डीवाई बाई डी एक्स अब एक्स की इधर मल्टीप्लाई कर देनी है मीन्स हम इसको ऐसा लिख देते हैं एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अब देखिए अब क्या करेंगे अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम यह लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल अगेन डिफरेंशियल मतलब पुनः अवकलन करने पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स इस तो देखो यहां दो फंक्शन हो जाते हैं इस केस में एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन तो फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो डी टू वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशियल वन इज इक्वल टू यहां पर देखिए माइनस साइन लॉग एक्स है साइन का हो जाता है cos log x. फिर log x का भी करते हैं तो वन अपॉन एक्स प्लस माइनस साइन लॉग एक्स लॉग एक्स का भी करेंगे दिख पा रहा है टोटल वन अपॉन एक्स ठीक है ये वैल्यू हमें मिल जाएगी तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स अब आप देखिए फिर से वन बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं यहां से वन बाई एक्स फिर से कॉमन लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी देखिए ये लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है ये इसके बाद वाली वैल्यू है ठीक है यहाँ नहीं आ पा रही है इसलिए हमने नीचे लिख दिया है अब देखिए यहां लिख देते हैं चलिए x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब यदि आप यहां से देखें तो माइनस का वन बाई एक्स आप कॉमन ले लेंगे माइनस वन बाई एक्स दोनों से कॉमन आ जाएगा माइनस यहां भी है यहां भी है तो वैल्यू बचती है कॉस लॉग एक्स ठीक है प्लस साइन लॉग एक्स तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी अब यदि हम देखें इस एक्स की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस एक्स की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे क्वेश्चन में समझ आ गया है सभी को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं देखो कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स फिर लॉग एक्स का भी किया वन अपॉन एक्स ठीक इसी तरह साइन का कॉस लॉग एक्स फिर लॉग एक्स का भी करेंगे वन बाई एक्स वन बाई एक्स हमने टोटल से बाहर लिख लिया है तो यहां माइनस आ जाएगा यहाँ प्लस रहेगा इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये वैल्यू आएगी ये एज इट इज हमें लिख लेना है फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ दो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड यहाँ लिख दिया है हमने प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू वन आ जाएगी यहाँ पर देखिए माइनस का साइन अपनी जगह लगा हुआ है जहाँ लगा हुआ था साइन का डिफरेंशियल साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स तो कॉस लॉग एक्स क्स का फिर से करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स कॉस लॉग एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन लॉग एक्स लॉग एक्स का करेंगे one by X. देखो ये एज इट इज वैल्यू है कॉमन लिया प्लस लगा देते हैं साइन लॉग एक्स अब देखिए एक्स इधर लेकर जाएंगे एक्स को तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी हमें वो प्रूफ करना है उधर जो पार्ट हमने लिखा है हमें ये सिद्ध करना है तो क्या करेंगे वैल्यू एक्स को इधर लेकर जाते हैं जैसे ही हम एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू देखो यदि हम देखें तो हमें वाई यही दिया गया था कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स ठीक है कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स ये हमारी वाई की वैल्यू थी हम इसको लिख देंगे माइनस वाई माइनस वाई हो जाएगा यहां लिखेंगे बाय वन या समीकरण नंबर वन से क्लियर है तो इक्वेशन हमारी वन यही थी माइनस वन को माइनस वाई को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा इट मीन ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो यही हमें प्रूव करना था ये क्वेश्चन हमारा दो हजार अट्ठारह में पांच नंबर में दिया गया है क्लियर है तो आपको क्या करना है देखिए डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन क्वेश्चन में करना क्या है जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करते हुए चले जाना है ठीक है एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जो 2019 में पांच नंबर में आया है ठीक है 2019 में पांच नंबर में क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन हमें इसी टाइप से दिया गया है जैसे साइन लॉग एक्स कॉस लॉग एक्स दिया गया है यहाँ ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है साइन और कॉस की मतलब टिक्नोमेटिक टर्म्स की फॉर्म में तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि इफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर के एक्स ई रेस टू पावर के एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एन एक्स ये दिया गया है देन प्रूव दैट प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू के डी वाई बाय डी एक्स प्लस एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये हमें सिद्ध करना है अब ये 2019 में आया है पांच नंबर में फाइव मार्क्स कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व जो गिवन इक्वेशन है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें मान लेना है हमें क्या दिया गया है हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई की पावर के एक्स ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स ये गिवन है क्या करेंगे पहले देखो यदि हम देखें जो हमें प्रूफ करना है उसमें दो बार डिफरेंशियल दिया हुआ है इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन तक हम इसको लेकर जाएंगे तो पहले हम पहली बार डिफरेंशियल करते हैं डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स अब आप यदि देखें तो यहां पर दो फंक्शन हैं कौन कौन से हैं वो दो फंक्शन एक फंक्शन हमारा ये है और एक फंक्शन ये है तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट e पावर के एक्स डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड कर देते हैं हम डिफरेंशियल बिना वजह एक लाइन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है देखिए इसका डिफरेंशियल हमें करना है तो a constant है, cos nx का क्या होता है माइनस साइन एन एक्स इन टू अब ये देखिए आप nx का भी करेंगे यदि केवल एक्स होता तो साइन एक्स लिख देते कॉस एक्स का डिफरेंशियल लेकिन nx दिया गया है तो एन एक्स का भी करेंगे nx का हो जाएगा एन एक्स एन कॉन्स्टेंट है तो एन आएगा एक्स का वन होता ही है प्लस बी साइन एन एक्स साइन एक्स का डिफरशियल एन एक्स फिर एनएक्स का भी करेंगे तो एन हो जाएगा ये हुआ फर्स्ट इनटू सेकंड सेकेंड प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे ए कॉस एनएक्स प्लस बी साइन एन एक्स फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे e की पावर के एक्स ई e की पावर के एक्स का डिफरेंशियल है e की पावर के एक्स अब के एक्स का भी करेंगे ठीक है के एक्स का भी डिफरेंशियल हम करते हैं तो के एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा के तो हमने लिख दिया इसको मल्टीप्लाई में की। इतना समझ आ गया सभी को क्लियर है इतना अब देखिए आगे क्या करना है ये जो इतनी वैल्यू है e a cos nx प्लस बी साइन एनएक्स की पावर kx यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू इसको हम y लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको y लिखा जा सकता है तो हम इसको लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स टू दावर के एक्स इसको लिख देते हैं माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स ठीक है ये छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस वाई इन के ठीक है ये लिख दिया है हमने हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर डी वाई बाय डी एक्स ठीक है आप पूरा दिख पा रहा है इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड इतना क्लियर है अब क्या करना है अब फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है हमें ये वैल्यू लेकर आनी है टू के डी वाई डी एक्स आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि अभी हम इसको रब कर देते हैं उसके बाद इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे ठीक है तो ये वैल्यू नोट कर लीजिए जो हमें प्रूव करना है ठीक है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से डिफरेंशियट करेंगे तो लिख देते हैं डिफरेंशियल सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने वाई मान लिया था एस एन एक्स प्लस बी साइन एनएक्स को तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वही लगाना पड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा देखिए ये इसका डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यहां पर देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है तो हम लिखेंगे पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड अब देखो आप इसका डिफरेंशियल करते हैं ये फंक्शन फर्स्ट है हमारा देख पा रहे हैं ठीक है ऊपर लिख देते हैं हम ये फंक्शन फर्स्ट है और ये पूरा फंक्शन हमारा सेकेंड है ठीक है अब तो क्लियर दिख रहा है ये फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड यहां पर देखिए माइनस ए एन कॉन्स्टेंट है साइन एन एक्स साइन एन एक्स का डिफरेंशियल होता है ए इंटू एन है ये ए रेस टू दावर एन फील हो रहा है ए बी इन एन कॉस एनएक्स कॉस एनएक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एनएक्स तो ये हो जाएगा माइनस साइन एनएक्स एनएक्स का भी करेंगे एन हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन है माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स एन टू इसका भी डिफरेंशियल करते हैं e की पावर के एक्स का e की पावर के एक्स का डिफरेंशियल e की पावर के एक्स इन टू के एक्स का भी करेंगे तो वैल्यू के आ जाएगी ठीक है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ये लिख दिया है हमने अब देखिए प्लस वाई कॉन्स्ट के कॉन्स्टेंट है वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्लियर है अब देखिए यदि हम इससे देखें तो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन एन स्क्वायर एन इंटू एन एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा ठीक है माइनस का साइन भी बाहर आ जाएगा एन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा ई e की पावर के एक्स बाकी क्या बचता है ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स ये वैल्यू आएगी प्लस ये वैल्यू आपको एज इट इज लिख लेनी है, बस इन दोनों वैल्यू को पहले लिख लेंगे तो हमने लिखा k e की पावर kx एक्स माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कॉस एन एक्स ठीक है प्लस के डी वाई बाय डी एक्स क्लियर हुआ इतना अब यदि हम इसको देखें ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है e की पावर के एक्स प्लस ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी ये हो जाती है y ठीक है ये वैल्यू हमारी y हो जाती है तो हम इसको लिख देते हैं y ठीक है यही वैल्यू हमने y मानी थी मतलब जो हमें गिवन वैल्यू थी ये y है तो हमने इसको लिख दिया y तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई प्लस के अब आप ये देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है यदि हम फर्स्ट सेकेंड इसको हट, हटा दें तो ये यही वैल्यू है के को छोड़ दीजिए आप ये यहाँ से लेकर ये वैल्यू इतनी यही वाली वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर सेकंड से हम इसको लिख सकते हैं डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स के लिखा हमने पहले बाहर वाला अच्छा ये के हम एक बार लिख चुके हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी डीवाई बाई डी एक्स माइनस के वाई लिख दीजिए या वाई के लिख दीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है इस पूरे की यही है ये वैल्यू तो हमने क्या किया इसको इधर ले लिया जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा मीन्स बनेगा डीवाई बाई डी एक्स माइनस के वाई यहाँ लिख दिया हमने इसको और ये जो प्लस का के वाई लिखा गया है इसको एज इट इज लिखा क्लियर है अब देखिए अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी के डीवाई बाई डी एक्स के इंटू डी वाई बाई डी एक्स देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगी डी टू वायवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई प्लस के डीवाई बाय डीएक्स इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के डीवाई बाय डीएक्स अब यदि हम देखें के डीवाई बाई डी एक्स ये भी के डीवाई बाई डी एक्स दोनों जुड़ जाएंगे टू के डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा तो इधर वैल्यू आ जाएगी हमारी यहां पर देखिए आप डी टू वाई ओवर डीएक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसे और इसे हम जोड़ लेते हैं दोनों जुड़ जाएंगे मीन्स टू के डीवाई बाई डी एक्स अब यदि आप यहाँ से देखें यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में माइनस आता है तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया है साथ ही यदि हम यहां से और यहां से दोनों से वाई को कॉमन ले लें तो यहाँ एन स्क्वायर बचेगा यदि हम माइनस भी कॉमन ले चुके हैं तो माइनस माइनस मतलब माइनस कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू प्लस हो जाएगी इसका मतलब माइनस बाहर लिखा एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई ये वैल्यू हमें मिल जाएगी पूर पूरी तरीके से दिख रहा है सभी चलिए ठीक है टोटल दिख पा रहा है अब देखो हमें जो प्रूफ करना था उसमें क्या था सारी वैल्यू एक साइड थी तो हम क्या करेंगे इन इन सबको इधर ले आएंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी डी स्क्वायर वाई या आप ऐसा कहिए डी टू वाय डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू के डी वाई डी एक्स ठीक है और माइनस माइनस uh, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो यही हमें सिद्ध करना था तो ये आया है लास्ट ईयर 2019 में पांच नंबर में क्वेश्चन ठीक है प्रूफ क्लियर समझ में आ गया आपको कि हमें इसको कैसे सॉल्व कर देना है देखिए बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है तो आपको यदि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा तो क्लियर हो गया चलिए हम एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं आप सॉल्व कर लीजिएगा उसे मतलब होमवर्क है ये आपका आज का या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बाकी के होमवर्क में सॉल्व करके देखिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए सॉल्व हो जाएंगे हालांकि सारे क्वेश्चन जैसे जैसे हमने सॉल्व किए हैं वैसे वैसे आपको सॉल्व कर देने हैं ठीक है देखो क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन uh, हमें दिया गया है जैसे हमने लिखा था ए कॉस लॉग एक्स अभी ई e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ये दिया गया है और आपको डबल डिफ्रेंशिएशन में ही एक इक्वेशन लेकर आनी है तो आप आसानी से ला पाएंगे पहली बार डिफरेंशियल करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन मान लीजिएगा फिर उसके बाद उसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा ठीक है तो आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी थोड़ा सा बस इधर उधर करके इधर उधर से हमारा मतलब है जैसे हमने इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू लिखी थी आपको भी हो सकता है ऐसे ही करना पड़े उसके बाद आपका आंसर आए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी है बस तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन दिया गया है इफ वाई इज इक्वल टू ई रेज टू दावर ए एक्स साइन बी एक्स देन प्रूव दैट प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है डी टू आई ओवर डी एक्स स्क्वायर टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो टू थाउजेंड फोर्टीन में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ये आप सॉल्व करेंगे सिद्ध करेंगे इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट पर चलते हैं हम सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ cos inverse y upon b is equal to log x upon n ki power n then prove that x square d2y over dx square plus x dy by dx प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो बारह तेरह दो बार आया है तो ये आप कैसे करेंगे बता देते हैं हम आपको ये आ, कैसे कर देना है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा सीधा सीधा ये मान लीजिए एक्स है ठीक है ये आप ऐसा कर लीजिए कॉस को इधर ले जाइए उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा क्लियर चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया है इफ वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी कॉस एन टी प्लस बी prove दैट प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस टू के डीवाई बाई डी एक्स प्लस नीचे लिख देते हैं के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो ये 2016 में आया है ठीक है ये क्वेश्चन ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा ठीक है आपको प्रूव करके दिखाना है इन तीनों को क्लियर इसके बाद हम आपको बताते हैं लेबनीज थ्योरम लेबनीज थ्योरम क्या है देखिए वैसे तो रेयर चांसेस हैं काफी पुराने टाइम में लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन आया है फिर भी हम बता देते हैं लेबनीज थ्योरम क्या है थ्योरम हम यूज करते हैं किसी भी फंक्शन का एनथ डिफ्रेंशिएशन करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे गए हैं तो उसका एनवा एन टाइम डिफ्रेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यदि हम लास्ट ईयर की बात करें तो एक क्वेश्चन हमें मिला था एग्जाम में कि कॉस ए एक्स प्लस बी का एन टाइम डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो पहले हम आपको एन टाइम डिफरेंशिएशन ही बता देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी का कैसे हो जाएगा देखो जैसे हमने अभी आपको बताया पहली बार डिफरेंशियल किया तो हमारा बना वाई वन दूसरी बार किया वाई टू तीसरी बार किया वाई थ्री चौथी बार किया वाई फोर पांचवी बार करेंगे वाई फाइव ठीक इसी तरह यदि एन बार करेंगे तो वाई एन हो जाता है ठीक है तो हमने लिखा पहले हमने इसको लिख दिया है कि क्वेश्चन ये है कॉस ए एक्स प्लस बी का एनवा अवकल गुणांक याद कीजिए अवकल गुणांक ये 2019 में आया है एक सेट में कैसे करेंगे हम एनवा अवकल गुणांग याद देखिए 2019 क्या कर देना है हमें हमें पहले मान लेना है मान लिया हमने y1 वन कॉस ए एक्स प्लस बी पहली बार डिफरेंशियल किया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा वाई वन वाई वन नहीं केवल वाई मानेंगे इसको वाई वन इधर लिख लेते हैं हम ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन आ जाए कॉस ए एक्स प्लस बी है तो कॉस का होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इन टू इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा ए और बी का जीरो एक्स का वन हो जाता है इसका मतलब केवल ए आ जाएगा तो वैल्यू आएगी माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी ठीक है अब देखो यहां माइनस है तो हम देखो जानते हैं हम जानते हैं कॉस फाइव बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हम ये जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो हम क्या करेंगे माइनस साइन थीटा को हम लिख देते हैं कॉस नाइन्टी माइनस थी प्लस थीटा तो हमने इसको लिख दिया कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक है ये लिख दिया है हमने ये है वाई वन की वैल्यू क्लियर ये वाई वन की वैल्यू हमारी आ गई पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इसको कहा इक्वेशन सेकेंड अब फिर से डिफ्रेंशिएट किया अगेन डिफ्रेंशियल क्या हो जाएगा वाई टू ए कॉस का हो जाएगा साइन माइनस के साथ पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे देखो फिर से आप डिफरेंशियल करेंगे थोड़ा ऊपर हम लिख देते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए हमने क्या लिखा है वैल्यू लिखी है हमने पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी इंटू पाई बाई टू का डिफरेंशियल जीरो होता है ए एक्स का ए हो जाएगा और बी का डिफरेंशियल जीरो होता है तो वैल्यू क्या मिलेगी वाई टू इज इक्वल टू हुआ वाई टू बराबर हो जाएगा देखो ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर साइन फाइव बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक है अब जैसे हमने पिछली बार हमने साइन को कॉस में बदल दिया था ठीक इसी तरह इस बार भी हमें इसे साइन को कॉस में बदल देना है तो हम क्या लिखेंगे फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे वाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस टू पाई बाई टू एक्स प्लस बी ये वैल्यू आ गई y2 की इक्वेशन नंबर थर्ड अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब आप देखिए जब तीसरी बार करेंगे तो y3 लिखेंगे इसे ए स्क्वायर कॉस का फिर से माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस बाहर लगा दिया हमने साइन टू पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी टू फिर से डिफरेंशियल करेंगे जीरो प्लस ए प्लस जीरो ए इंटू ए ए स्क्वायर ए क्यूब विद माइनस साइन साइन टू पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक है यहाँ से फिर हम वही करेंगे फिर से हमें यहाँ से माइनस का साइन हटा देना है तो माइनस का साइन कैसे हटेगा माइनस का साइन हटाने के लिए हमें प्लस बना देना है अंदर इसे साइन को कॉस में चेंज कर देना है ए क्यूब कॉस ये हो जाएगा आपका पाई बाई टू प्लस टू पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक है तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखो यहाँ हो जाएगा थ्री पाई बाई टू अब आप देखिए पहली बार किया ए कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी दूसरी बार किया ए स्क्वायर कॉस टू बाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी तीसरी बार किया वाई थ्री ए क्यू वाई थ्री इज इक्वल टू ए क्यू कॉस टू प्लस टू पाई प्लस पाई थ्री पाई बाई टू आ जाएगा ठीक है तो यहाँ लिखेंगे हम लिख देते हैं हम इसको हम इस हमने इसको ऐसा लिखा वाई थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री इज इक्वल टू ए क्यूब कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ठीक है सिमिलरली या इसी प्रकार यदि हम एन बार डिफरेंशियल करेंगे तो वाई एन ए की पावर एन कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ये हमारा आंसर हो जाएगा ये है हमारा एन वा अवगल क्लियर है तो ये समझ में आ गया है आपको हमें इसको ऐसे सॉल्व कर देना है ठीक है तो चलिए फिर हम ये एनवा अवकल गुणांक हमने सॉल्व कर दिया है आज इसी के साथ हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेबनीस थ्योरम का क्वेश्चन ठीक है लेबनीिस थ्योरम का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनथ अवकल गुणांक हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि लेबनीस थ्योरम में हमें एन बार ही अवकल अवकलन करना है चलिए फिर इसी के साथ इस क्लास को हम खत्म करते हैं आप अपना ध्यान रखिए मेहनत करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत